नमस्कार, सावित्री की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावित्री की रसोई में बनेगी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए रेसिपी। तो मैंने इसमें 1/4 कप पानी लिया है और पानी गर्म हो गया है, तो इसमें हम लेंगे 1/2 कप चीनी। अब इसे हमें मेल्ट करना है। देखिए मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी इसे हमें और पकाना है क्योंकि हमें इसे तार वाली चाशनी लेनी है। तो अभी तो ये पतला है, तो हम इसकी तार वाली चाशनी बनाएंगे। देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई, बिल्कुल थिक हो गई है, तो हमें ऐसी ही चाहिए, बिल्कुल थिक चाहिए। और देखिए बिल्कुल गाढ़ी है, देखिए इसका तार बन रहा है अभी गर्म में, फिर भी तार पूरा तार आ रहा है और गैस अभी जल रही है। इसी के साथ साथ हमें एक काम और करना है। हम जिसमें बनाएंगे उसके लिए मैंने एक ले ली, आप बाउल ले लें, जो भी आपके पास हो वो ले लें। मैंने केक टिन ली है और इसे ग्रीस कर लें। मैंने इसे ग्रीस कर लिया है, घी से या तेल से, आपको जिससे भी करना हो उससे आप ग्रीस कर लें। अब मैंने लिया है इसमें मावा, 1/4 कप मैंने अभी इसमें मावा लिया। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, बिल्कुल धीमा, या हो सके आपको गैस बंद करनी हो तो आप बंद भी कर सकते हैं। मावा में थोड़ी रवा सा था उसमें, तो मैंने उसे अच्छे से मैश कर दिया है। अब हमने गैस के फ्लेम को बढ़ा लिया है, तो हमें इसे बिल्कुल ड्राई करना है। देखिए, और इसमें मैंने मावा डाला है उसके, और मैंने 2 चम्मच और डाल दिया था। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जितना भी कम बनाना हो या ज़्यादा बनाना। देखिए ये कैसे हो रहा है, तो बस अब इसे गाढ़ा होना है। ये जैसे ही हमारे पैन को छोड़ देगा तो हम तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे। इधर इसको भी हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। यदि आपको जो भी पसंद है ड्राई फ्रूट, वो आप इसमें ले लें। तो ड्राई फ्रूट डालने से क्या होता है, ज़रा देखने में सुंदर लगने लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। बादाम, काजू और पिस्ता की कतरन है मेरे पास, मैंने काट के रखे हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इधर चलते हैं। देखिए बिल्कुल ही थिक हो गया है, अभी ठंडा हो जाएगा तो तुरंत ही जम जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है डार्क, तो हमने लिया है कोको पाउडर, 1.5 चम्मच इसमें हम कोको पाउडर डाल देंगे क्योंकि हम डार्क मिठाई बना रहे हैं। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाल दिया और इसे हम अच्छे से पूरा ही मिक्स कर देंगे। जब तक इसका एक कलर नहीं हो जाता डार्क, तब तक इसे हम चलाते रहेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल एक सा हो गया है, पूरा कलर सेम हो गया है, देखिए, और पैन भी छोड़ने लगा, तो ये तैयार हो गया। अब हम लेते हैं जो हमने इधर टिन तैयार किया है, आपके पास कोई होगा डोंगा जो भी हो, उसमें आप इसे कर लें। आपको मोटा करना हो इसे तो आप थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं थिक, और यदि आपको पतला करना हो तो आप बड़े बर्तन में डाल लें, और थोड़ी साइज उसकी मोटी रखनी हो तो उसे छोटे बर्तन में डाल लें। तो देखिए इसे हम डालते देखिए थिक होने लगा है, तो मैं उसे ऐसे कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ऐसे ही बना रहे। देखिए मैंने इसे आधे टिन में किया है क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाता, तो इसलिए मैंने आधे में किया है। आप भी ऐसे ही करना चाहें तो आप ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए या आधा घंटा के लिए हमें जी इसे फ्रीजर में रखेंगे जमने के लिए। जब ये जम जाएगा उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। अभी तो इसे ठंडा होने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद रखेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। अब हम डाल देंगे सफ़ेद नमक, तो मैंने 1.5 चम्मच सफ़ेद नमक डाल दिया है, और मिर्ची में मसाला भरने से पहले हमें नमक हम चेक कर लेंगे। मिर्ची में नमक की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, 1 चम्मच मैंने ये सेंधा नमक भी डाल दिया है। मिर्ची तो हमारी नमक से ही रहती है, नमक और इसमें राई की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने आपके सामने राई
डाली है। लीजिए तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया। इसे अब हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए, फिर हम भरेंगे। अभी हल्का सा ये गुनगुना भी है। तो देखिए मैंने 10 मिनट के लिए रखा और ठंडा हो गया है, तो इसे हमें निकालना होगा। तो आराम से निकल जाएगा। आप चाहे तो इसे बटर पेपर में भी रख सकते हैं। तो देखिए इसमें ऐसे भी निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए क्लीन निकला है। अब हम क्या करेंगे, इसे रख लेंगे। तो आप इसके पीस कर सकते हैं और पीस भी बड़े आराम से कट जाएंगे। आपको जिस भी शेप में करना हो उस शेप में आप इसके पीस ले लेंगे। ये बच्चों की चॉकलेटी बर्फी तैयार हो गई है। देखिए इसकी थिकनेस देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे तो इसे देख के ही खुश हो जाएंगे। अब इसके आपको पीस कैसे करना है, मैंने प्लेट जरा छोटी ली है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे पीस करेंगे स्क्वायर में। इससे बड़े भी ले कर लें आप या इससे छोटे। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ही सॉफ्ट है, जो हमारे साइड के कॉर्नर के हैं। तो देखिए बढ़िया ये बर्फी चॉकलेटी मिठाई बच्चों की तैयार हो गई है। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट आप ज़रूर करें। साइड में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें और आप इसी तरह बनाइए और एंजॉय कीजिए। बच्चे खुश और हम भी खुश। थैंक यू। देखिए